लगभग 57 पंचायतों से लोग पधार रहे हैं और सुबह 10 बजे से ये भोजन प्रसादी चालू कर दी है। व्यक्ति सदैव अपना जन्मदिन मनाते हैं या अपने परिवार का किसी का मनाते हैं। मेरा उद्देश्य था गौ माता के कोई ऐसा कोई जन्मदिन मनाया जाए। नंदी गौशाला के जो विजन लेके जो गुरुदेव निकले हैं उसका उद्देश्य गाँव गाँव तक पहुँच रहा है। ये हिंदू राष्ट्र भारत और उसमें गौ माता की सेवा विशेष होनी चाहिए और उसमें भी नंदियों की सेवा विशेष होनी चाहिए। सभी गोधन रखने वालों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, करबंदी वंदन है, कृपया गौ माता को अपनी गौ माता को अपनी माँ समझकर उसको घर पे रखें। आपको लगता है कि जो राशि सरकारें गो टैक्स के नाम पर लेती है पुनः गौ माता के लिए वो राशि काम आ रही है या सरकारें उसको ईमानदारी से गौ सेवा के लिए इस्तेमाल कर रही है? नमस्कार। हमने कई बार जन्मदिन की बातें सुनी है, अलग अलग लोगों के जन्मदिन आते हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, मगर आमेठ के समीपवर्ती आगरिया आज अपनी गौशाला का, अपनी नंदीशाला का जन्मदिन मना रहा है और बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ आगरिया श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला और ये देखिए आप, ये जो लगा हुआ है कि स्वागत द्वार के समीप कुछ पंक्तियों के साथ स्वागत जिस प्रकार से किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि आज के इस आयोजन को कितना उल्लास और कितना आनंदमय मनाने की कोशिश हो रही है। ये स्वागत द्वार है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है और आप जब अंदर आएंगे तो आपको पीछे की तरफ जो शेड है वहाँ तमाम गोवंश है और गोवंश के साथ वहाँ चारे की व्यवस्था भी है, एक ऑफिस भी है। इस तरफ स्वागत का जो तमाम प्रक्रिया है वो यहाँ पर होती है। संत कुटिया इस तरफ है और संत कुटिया के बाद अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस बहुत सुकून भरे परिसर में आगे भोजन की भी व्यवस्था है। महाप्रसादी आज हो रही है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15,000 लोग इस महाप्रसादी से जुड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो सुबह के आमंत्रण निमंत्रण है महाप्रसादी के लिए दूर दराज के क्षेत्र जिस प्रकार से कुंबलगढ़ की तरफ जो गांव हैं उनको दिए गए तो वहां से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और 2 बजे से जो आमंत्रण की प्रक्रिया बदलेगी उसके बाद के जो निमंत्रण है वो आसपास के गांवों में दिए गए तो शाम होते होते आसपास के ग्रामीणों की बड़ी संख्या दिखाई देगी। और ये जो पूरी की पूरी महाप्रसादी है, हर एक कार्यक्रम के अलग अलग मनोरथी हैं तो महाप्रसादी के जो मनोरथी है वो क्षेत्र के पूर्व प्रधान अरविंद कुंवर है, अनूप सिंह पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि आज के इस आयोजन को बड़े बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसकी एक अलग पहचान बनाई जाए। और उस तरफ आप देखेंगे तो जो पंडाल बना हुआ है जहां पर शाम को भव्य भजन संध्या है, बेहतरीन भजन संध्या है, गोपाल महाराज का एक गो कथा का कार्यक्रम भी है, तो ये तमाम आज यहाँ चीजें हो रही है। सीधा सीधे चलते हैं अनूप सिंह जी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मन के भाव क्या है महाप्रसादी से जुड़े हुए, इस आयोजन से लगातार वो जुड़े हुए हैं। सुनिए आखिर वो क्या कहते हैं। ये नंदी गौशाला में संत सीताराम बाब जी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में पहल की है उन्होंने नंदी गौशाला खोलने की। इससे पहले सियाणा में बहुत अच्छी गौशाला है, आमेठ जयसिंह श्याम गौशाला भी है, लेकिन पर्सनली खाली नंदियों के लिए गौशाला जो खोली है 1 वर्ष हो गया है और बड़ा यह उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का 1200 लोग भी खूब आगे आ रहे हैं और 1 साल के अंदर यहाँ बहुत सारा विकास भी हुआ है, शेड भी बने हैं और खाने के नंदियों के लिए खाने की व्यवस्था खूब भामा से आगे आ रहे हैं और इससे युवाओं में बड़ा जोश आ रहा है कि वास्तव में, क्योंकि नंदियों की बड़ी समस्या है, गाँव गाँव में नंदी ऐसे लवारिश टाइप घूम रहे हैं, उनकी कोई सेवा नहीं हो पा रही है। तो एक बहुत बड़ा विजन लेके गुरुदेव ने जो आगे किया है तो गुरुदेव को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, पूरे क्षेत्र का समर्थन मिल रहा है, भामाशाओं को समर्थन मिल रहा है। आज का जो आयोजन है इसमें महाप्रसादी आपकी तरफ से इसकी क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था और कितने लोगों का अनुमान है? आज ये महाप्रसादी का उद्देश्य तो ये था कि इस जन्मदिन मना रहे हैं हम इस गौशाला का। व्यक्ति सदैव अपना जन्मदिन मनाते हैं या अपने परिवार का किसी का मनाते हैं। मेरा उद्देश्य था गौ माता के कोई ऐसा कोई जन्मदिन मनाया जाए तो गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ कि 1 वर्ष अपनी गौशाला हो गया, तो मैंने कहा गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि आप कहो तो हम यहाँ जन्मदिन मनाएं इसी का, तो गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ और ये जन्मदिन मना रहे हैं। लगभग 15,000 लोगों का यहाँ हमने भोजन की व्यवस्था की है और सुबह से शाम तक चलेगा। यहाँ के आसपास के 12 गांवों में 5 बजे शाम को नौता दिलाया है, वो लोग सब शाम तक पधारेंगे। अभी कुंबलगढ़ क्षेत्र से समस्त गाँवों से लगभग 57 पंचायतों से लोग पधार रहे हैं और सुबह 10 बजे से ये भोजन प्रसादी चालू कर दी है और भगवान महादेव की कृपा से, गौ माता की कृपा से खूब लोग पधार रहे हैं, गौ माता के दर्शन कर रहे हैं और हमें गौ माता को सबको सहयोग की पूर्ण आशा है कि लोग पधारेंगे। इस नंदी गौशाला की जो विजन लेके जो गुरुदेव निकले हैं उसका उद्देश्य गांव गांव तक पहुंच रहा है
और नंदियों के लिए जो सेवा की है उसमें हम गुरुदेव सीताराम बाबू जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आगे होकर ये ऐसा काम किया है और हमारे को भी उसमें जुड़ने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। एक आप खास तौर से महाप्रसादी में आप मनोरथी बने, इस मनोरथ को आपके ऊपर आया तो ये कैसा लग रहा है कि इस गो सेवा में मेरे को भी सहभागी बनना? ये इसमें सबसे बड़ा तो मेरी माँ को कहूँगा धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को जन्म से ही अध्यात्म से जोड़ा है। उनके कारण मेरे सब गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा है और संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। भगवान चारभुजनाथ की और महादेव की असीम कृपा से, गौ माता की कृपा से सदैव मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनती रही है और जब भी मौका बन पड़ा है मेरे से, छोटा है बड़ा और जैसा भी मेरे बन सका है, यथाशक्ति मैंने सेवा करने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा कुछ खुद का कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, ये गौ माता का दिया हुआ धन है, गौ माता को अर्पण है। हम तो उसका लाभ ले पा रहे हैं और भगवान की कृपा से, ठाकुर जी कृपा से, गौ माता की कृपा से हमारा उसमें नाम हो रहा है। ये गौ माता की कृपा है क्योंकि हम एक आम मनुष्य हैं, हमारा ऐसा कुछ कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे लिए तब भी संभव नहीं कि हम खुद भी रोटी खा लें, लेकिन ये गौ माता की कृपा है कि उन्होंने मुझे एक आम आदमी को, एक यूँ कहा जाए तो मैं इस कलयुग का पापी व्यक्ति हूँ, किसी भी तरीके से हजारों तरह के पाप करते हैं, तो भी इस गौ माता की कृपा से मुझे आज ये मौका मिला है कि तेरे लोग यहाँ पधारे और गौ माता के दर्शन उन्होंने किए और मेरे ऊपर गौ माता ने आशीर्वाद किया जो मेरे को ये मौका मिला है। इसमें क्या लगता है आज की युवा पीढ़ी गौ सेवा के प्रति, गौ माता के प्रति प्रेरित हो रही है, गौ सेवा की तरफ युवा पीढ़ी काम कर रही है और कोई इसमें भी और जागरूकता की जरूरत है या जागरूक होने लगी है? अभी हमारे क्षेत्र में सियाणा गौशाला में खूब मेहनत हुई है, वहाँ के धर्मू जी भाई साहब ने बहुत मेहनत की है, हमारे पूर्व बीडियो साहब विकास जी पुरोहित ने भी उसमें खूब सहयोग किया, वहाँ भी करोड़ रुपए लगे। उसी की तर्ज पर यहाँ एक नंदी गौशाला चालू की और इससे युवाओं में बड़ा क्रेज है कि कहीं भी नंदी, कहीं भी लावारिस घूमते दिखते हैं तो नंदियों को लाते हैं और नंदियों को ला के यहाँ रोकने की व्यवस्था करते हैं, उनके चारा पानी की व्यवस्था करते हैं। तो युवाओं में बड़ा विजन है कि वास्तव में, और ये हिंदू राष्ट्र है भारत, और उसमें गौ माता की सेवा विशेष होनी चाहिए और उसमें भी नंदियों की सेवा विशेष होनी चाहिए, क्योंकि नंदियों की रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पहले तो लोग काश्तकार लोग थे, किसानी के रूप में इनको ले जाते थे, आज खेती में इनका कुछ काम नहीं रह पाया, इसलिए इनको संरक्षण देने का बहुत बड़ा काम होना चाहिए, जिसमें हमारे गुरुदेव ने पहल की है, उससे युवाओं का समर्थन मिल रहा है और इस नंदी गौशाला को हम चाहते हैं कि भविष्य में विशाल रूप मिले और यहाँ पे हजारों हजारों नंदी गौशालाएं नंदी रहे और इस नंदी गौशाला से प्रेरित होकर समस्त कुंभलगढ़ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भी ऐसी नंदी गौशालाएं खुले जिससे ये नंदियों की रहने की व्यवस्था उत्तम की जा सके। आज ये देखने को मिलता है कि एक शहर में तो पहले ये समस्या थी गायों की या सांड की, मतलब नंदी की, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कई लोग दूध निकालते हैं उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं, ऐसे हादसे भी देखने को मिलते हैं, ये कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए आम लोगों को सहभागी बनकर? इसके लिए सर्वप्रथम तो सभी गोधन रखने वालों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, करबंद निवेदन है, कृपया गौ माता को, अपनी गौ माता को अपनी माँ समझ कर उसको घर पर रखें। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसमें सरकार का भी संरक्षण मिले, क्योंकि पूर्व में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो राज व्यवस्था थी उसमें गोधन के लिए अलग से व्यवस्थाएँ उस समय के राजतंत्र की थी। तो अभी भी हम इस सरकार से आशा रखते हैं कि जो भी सरकार बने राजस्थान हो या प्रदेश में या देश में, उनकी तरफ से गौ संरक्षण के लिए एक कानून बने और गौ माता को और नंदी को संरक्षण देने का काम करें। और मैं विशेषकर तो समस्त गोधन रखने वालों को, ग्रामवासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता से ही इस भारत का उद्धार होगा, इस भारत भूमि का जो पुनः स्वर्णिम युग आएगा, सोने की चिड़िया पहनने का जो वापस जो सपना लेकर मोदी जी निकले हैं, तो इसको सफल करने के लिए गौ माता का आशीर्वाद अवश्य चाहिएगा। सरकारें अलग अलग मद में गो टैक्स लेती है, आपको लगता है कि जो राशि सरकारें गो टैक्स के नाम पर लेती है पुनः गौ माता के लिए वो राशि काम आ रही है या सरकारें उसको ईमानदारी से गौ सेवा के लिए इस्तेमाल कर रही है? मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा है कि जितना ले रही है उतना टैक्स गौ माता को दे पा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और विशेषकर मेरे इस क्षेत्र में माइनिंग क्षेत्र है तो यहाँ माइनिंग का भी बहुत बड़ा फंड DMFT फंड करके आता है, उससे भी गौ माता को संरक्षण के लिए कुछ न कुछ फंड की आवश्यकता देनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में माइनिंग होने के कारण चरागाह में काफ़ी समस्या आई है, डंपिंग होने से काफ़ी समस्या आई है, और जहाँ जहाँ माइनिंग हुई है वहाँ पानी की भयंकर समस्या आ रही है। तो ऐसी कोई न कोई उस डिपार्टमेंट से गौ माताओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था हो कि ये कैसा फंड लगे कि जो गौ माताओं के और नंदियों के संरक्षण में काम आए।